वेलकम बैक टू माई चैनल मिलेन माइंस टुडे वी विल टॉक अबाउट डिस्कस ऑफ चैप्टर थ्री पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल एमसीक्यूज बट बिफोर दैट इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज क्लिक दी सब्सक्राइब बटन टू गेट दी लेटेस्ट वीडियो दिस वीडियो विल भी इंपॉर्टेंट फॉर डी फार्मा बी फार्मा एम फार्मा एंड आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऑफ फार्मेसी जैसे जीपेट एग्जाम नाइपर एग्जाम डी आई एग्जाम एग्जिट एग्जाम फार्मासिस्ट एग्जाम एंड एंट्रेंस एग्जाम सो लेट्स विले स्टार्ट गाइड सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के चैप्टर थ्री के पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल के टॉप फिफ्टी एम्स के बारे में सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे पैकेजिंग की पैकेजिंग इज द साइंस आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इनक्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज सेल एंड यूजेज ये इसकी डेफिनेशन रहेगी पैकेजिंग की फर्स्ट एम्स यूज रहेगा आपका च ऑफ द फॉलोविंग इज यूज फॉर स्टोरिंग इंजेक्टिवल्स इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा बी रहेगा मल्टीडोज कंटेनर्स क्या रहेगा मल्टीडोज कंटेनर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोविंग इज हर्मेटिक्स कंटेनर्स तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ए एयर टाइट कंटेनर्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन से वट इज कलाइट्स कोलर्ट्स क्या होते हैं तो इसका right है राइट आंसर right रहेगा हमारा डी ऑल ऑफ दी एव जैसे फ्यूजन एजेंट्स ब्रोकन ग्लास यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ग्लास ये सभी कायम में आएंगे कोलेट्स में आएंगे इसका राइट आंसर हमारा डी रहेगा ऑल ऑफ दी एवअप नेक्स्ट है द सल्प ग्लास इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपोजिंग द सोडा लाइम ग्लास टू तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी सल्पर डाई चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट द ग्लास यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मल्टीडोज वायर्स एंड ट्रांसफ्यूजन वोटल आर तो ये हमारे किसकी प्रतेंस में रहेगा ये रहेगा न्यूट्रल ग्लास की प्रदेंस में राइट right आंसर इसका सी रहेगा चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोविंग मटेरियल आर यूज इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग जो हमारी फॉलोविंग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में वो किए जाते हैं जैसे ग्लास है प्लास्टिक है मेटल से, से, है इसलिए इसका राइट आंसर हमारा डी रहेगा ऑल ऑफ दब नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास एज ए पैकिंग मटेरियल आर इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी बोथ फ्रेगजिलिटी एंड वेट नेक्स्ट है द कंपोजिशन ऑफ ग्लास इज ये कंपोजिशन ऑफ ग्लास किस होगी इसकी सैंड है सोडा एस है लाइम स्टोन इसका राइट आंसर हमारा डी रहेगा ऑल ऑफ दी एवअप जो कंपोजिशन ऑफ ग्लास की रहेगी वो सैंड रहेगा सोडा एस रहेगा वो लाइम स्टोन रहेगा इसलिए इसका राइट right आंसर आपका डी रहेगा ऑल ऑफ दी एवअप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन से सोडा एस आल्सो नोन एज इसका राइट आंसर रहेगा आपका सोडियम कार्बोनेट राइट आंसर इसका रहेगा सोडियम कार्बोनेट बी नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोविंग मैथड आर यूज इन द प्रोडक्शंस ऑफ ग्लास तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी ऑल ऑफ दैसे ब्लॉविंग ड्राविंग एप प्रेसिंग एंड कास्टिंग राइट आंसर का डी रहेगा ऑल ऑफ द एवअप स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मिलेन वाइन्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस मिल सके चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन से द एवलेट द केमिकल रिजिस्टेंस ऑफ ग्लास विच ऑफ द फॉलोविंग टेस्ट आर कंडक्ट तो इसका राइट आंसर आपका सी रहेगा बोथ जैसे हमारा पाउडर ग्लास टेस्ट एंड वाटर अटैक टेस्ट राइट आंसर इसका सी रहेगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोविंग टेस्ट इज परफॉर्म ऑन होल कंटेनर तो इसका राइट आंसर आपका बी रहेगा वाटर अटैक टेस्ट नेक्स्ट है द प्योर सिलिका इज इस राइट राइडेंसेज का बी रहेगा सैंड नेक्स्ट है द लाइम स्टोन इस राइट राइडेंस का रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट नेक्स्ट है द डैश कलर्ड प्रोवाइड प्रोडक्शंस अगेंस्ट आयर रेंस जो हमारे कलर्ड uh, गिलास होते हैं जो प्रोवाइड कर जाते हैं प्रोडक्शन्स आई से वो किस कलर के होंगे वो होंगे हमारे ग्रीन कलर्ड ग्लास। राइट आंसर इसका ए रहेगा ग्रीन कलर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन से प्लास्टिक पॉलीमर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिस्पोजल इसका राइट आंसर रहेगा आपका पॉलीथाइलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन से द प्लास्टिक पॉलीमर विच इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आई ऑइंटमेंट ट्यूब्स। तो ये राइट आंसर रहेगा आपका बी इल क्लोराइड राइट आंसर भी रहेगा पोलिविनाइल क्लोराइड चलते नेक्स्ट क्वेश्चन से थर्मो थर्मोसेटिंग टाइप प्लास्टिक्स तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी यूरिया फॉर्मल फॉर्मेलहाइट रेजिन्स चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट है द कोर्क इज ऑप्ट फ्रॉम प्रेजेंस इसका राइट आंसर रहेगा आपका बार कोप बारको ओक ट्री राइट आंसर ये रहेगा बारको ओक ट्री चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन था मैक्सिमम साइज ऑफ द पार्टिकल इन स्पेस स्प्रे एरेसोल तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए फिफ्टी माइक्रॉन क्या रहेगा ए फिफ्टी माइक्रॉन चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर एन एरेसोल इज ए सिस्टम तो इसका राइट आंसर रहेगा बी डिस्पर्स फेज नेक्स्ट है आपका द आइडियल रिक्वायरमेंट फॉर द पैकेजिंग इज इसका राइट आंसर रहेगा एफ डी ए स्टूडेंट्स आपको एफडीए की फुल फॉर्म बताने हैं जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इसकी फुल फॉर्म बताई थी आपको कमेंट्स करना है एफ डी ए के फुल फॉर्म चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर इज लेस रिएक्टिव तो इसका राइट आंसर रहेगा बी एलुमोनियम कंटेनर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर प्रोवाइड इज विजुअल इन्फेक्शंस ऑफ द कंटेंट लेवल इसका राइट आंसर आपका सी रहेगा ग्लास कंटेनर नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेस्ड ग्लास तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी ब्यूटेन ये हमारा नोट कंप्रेस्ड गैसेस है सॉरी ब्यूटेन नेक्स्ट है आपका द डेज कैन नॉट एंडर गो ऑपरेशन इन्वॉल्विंग प्रेशर एंड वैक्यूम तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ग्लास कैन नॉट एंडर गो ठीक है राइट आंसर सी रहेगा ग्लास चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट फॉर पैकेजिंग इज जो हमारे टेस्ट टेस्ट फॉर पैकेजिंग आती है किसमें आएगी ड्रॉप टेस्ट है वाइब्रेशन टेस्ट है सॉप टेस्ट है इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी रहेगा ऑल ऑफ दलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन से द ट्रेटेड सोडा लाइम ग्लास इज ये आपका जो ट्रेटेड सोडा लाइम ग्लास किस में आएगा टाइप सेकेंड में राइट right आंसर इसका भी रहेगा टाइप सेकेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इन रावर इंडस्ट्री विल कैनाइजेशन सेज एंड यूज इन तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ए सल्फर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प्स इन द इजी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल बिन एरसोल इसका राइट right आंसर रहेगा बी एकूटोटर्स स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मिलेन वाइन्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि एग्जिट एग्ज़ाम को क्लियर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जैसे एग्ज़ाम नाइपर एग्जाम फार्मासिस्ट एग्जाम डी एग्जाम बहुत सारे एग्जाम हैं जिसके लिए प्रिपरेशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स एम रहेंगे ठीक है चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोरोकार्बन प्रोपोलेंट कंटेनिंग एरासोल कैन बी फिल्ड बाय इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी कोल्ड फिल प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन हैं दिलोफेन इज यूज फॉर दीलो फैन इज़ यूज फॉर इसका राइट आंसर रहेगा बी स्ट्रिप पैकेज नेक्स्ट क्वेश्चन से द बॉक्सेस एंड कार्टून आर कवर्ड इन विच टाइप्स ऑफ पैकेजिंग इन फार्मास्यूटिकल्स तो ये आपका आएगा सेकेंडरी सेकेंडरी पैकेजिंग में मतलब जो हमारे बॉक्सेस होते हैं कार्टूनस होते हैं इनको कवर किया जाता है पैकेजिंग और फार्मास्यूटिकल में आते हैं हमारे सेकेंडरी पैकेजिंग में इसका राइट right आंसर आपका बी रहेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिवाइस डेट होल्ड द डोजेस फॉर्म और प्रिपरेशन इज कार्ड एज तो इसका राइट right आंसर आपका ए रहेगा ओ सॉरी बी रहेगा कंटेनर किस नाम से कहा जाता है कंटेनर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस कंटेनर्स प्रोटेक्ट द मेडिका फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइट तो इसका राइट right आंसर है आपका ए अम्बर कलर कंटेनर राइट आंसर इसका ये अंबर कलर कंटेनर्स ये ये क्वेश्चन आपको पता भी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन से द एरिसोल कंटेनर कैन विथ स्टैंड इसका राइट आंसर रहेगा बी हाई प्रेसर्स नेक्स्ट क्वेश्चन से द एडवांटेज ऑफ पैकेजिंग तो इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑल ऑफ द एव पैकेजिंग प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट पैकेजिंग इनफॉर्म पैकेजिंग मीन्स इकोनॉमी इसका राइट आंसर डी रहेगा ऑल ऑफ दी एव अभी एडवांटेज रहेंगे पैकेजिंग के नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज ए सोडा लाइम सिली सिलिकेट ग्लास ये आपका आएगा टाइप थर्ड में राइट आंसर इसका ए रहेगा टाइप थर्ड चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लास आर यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब जो हमारे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लास आर यूज किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो होते हैं हमारे फोर टाइप्स के राइट right आंसर इसका भी रहेगा फोर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन से द प्लास्टिक यूज एज ए मटेरियल फॉर कंटेनर इज कंपोस्ट ऑफ पोलीमाराइट आंसर रहेगा आपका थर्मो प्लास्टिक राइट आंसर बी रहेगा थर्मो प्लास्टिक स्टूडेंट्स वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जा शेयर करें कमेंट्स करें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनायंस इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑक्सीजन नेक्स्ट क्वेश्चन से विच टाइप्स ऑफ ग्लास इज यूज कंटेनर फॉर टैबलेट ओरल सोल्यूशन एंड ओइंटमेंट इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर टाइप फर्स्ट ग्लास इज आल्सो नोन एज मतलब जो हमारे टाइप फर्स्ट ग्लास है उसको और किस नाम से जाना जाता है इसका राइट आंसर है ए ब्रोसिलीकेट्स ग्लास बोरोसिलिकेट ग्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्ग्रीडियंट आर प्रजेंट इन रबर स्टॉपर इसका राइट आंसर आपका रहेगा डी ऑल ऑफ दी एवब, जैसे वुल्कनाइजिंग एजेंट सोपनर एंटी ऑक्सीडेंट इसीलिए इसका राइट आंसर डी रहेगा ऑल ऑफ दी चलते हैं चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट तो right है विच ऑफ दी फॉलोविंग आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग ऑफ मेडिकेशंस तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी बोटल एंड ब्लेस्टर पैकेज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट है द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका प्रोडक्ट प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट प्रोमोट द प्रोडक्ट प्रोडक्ट द आइडेंटिफिकेशन इसलिए राइट आंसर रहेगा आपका डी ऑल ऑफ ये आपको पता ही हो क्या फंक्शन होते हैं पैकेजिंग के चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटेनर मेट फॉर स्टोरेज ऑफ ऑफ इंजेक्टेबल आर मेड ऑफ तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड क्लास ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पैकेजिंग दैट इज टेम्पर एविडेंट तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी ऑल ऑफ दोलर पैक्स है और स्टीप पैक है इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी रहेगा ऑल ऑफ दलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दैकेज दैट कम्स इन कैन नॉट ओ सॉरी द पैकेज दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद फॉर्मुलेशन डायरेक्टली स्ल्ड तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी प्राइमरी पैकेज राइट आंसर बी रहेगा प्राइमरी पैकेज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप सेकेंड ग्लास इज आल्सो नोन एज इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी ट्रेडिड सोडा लाइम ग्लास क्या रहेगा ट्रेडिड सोडा लाइम ग्लास राइट आंसर सी चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर यूज्ड फॉर सेकेंडरी पैकेजिंग तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी ऑल ऑफ द ये क्वेश्चन आपका आई रहेगा जैसे आपका पेपर वोट कार्टून ये आपका सेकेंडरी पैकेजिंग में रहेगा इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी रहेगा ऑल ऑफ दी एव चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर लास्ट क्वेश्चन से विच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल आर यूज फॉर द टेटरी पैकेजिंग तो इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑल ऑफ जैसे क्रगोटेड बॉक्स बुट पैलेट्स और सरिंग वार्प इसके लिए इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आज के लिए इतने काफ़ी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग्स गाइज